गाइज, वेलकम टू माई चैनल शिविक टाइनी वर्ल्ड। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2.5 ईयर के बच्चे का फुल डे रूटीन एंड ऑल्सो विद डे केयर, एंड कितने बजे से कितने बजे तक वो डे केयर में रहता है, क्या उसका रूटीन रहता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सुबह वो उठता है, उसके बाद वो पीता है मिल्क, एंड मिल्क पीने के तुरंत 10 मिनट बाद ही उसको ये एक आदत है फ्रेश होने की। तो राइट नाउ हम उसको पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो बताता नहीं है बट मैं बिठा देती हूँ, तो कभी कभी कर लेता है और कभी कभी डाइपर में भी करता है। उसके बाद मैं उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर करती हूँ। तो लंच बॉक्स की पूरी सीरीज़ मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है कि मैं डेली उसको हेल्दी लंच में क्या रख रही हूँ। तो जैसे कभी पोहा, कभी सूजी का चीला, कभी बेसन का चीला, कभी फिल्ड पराठा जैसे पनीर, आलू, गोभी या वेजीज मिक्स करके मिक्स पराठा, तो ये सब मैं उसको लंच में देती हूँ। उसके बाद मैं उसको रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले ब्रशिंग करना होता है, तो ब्रश के लिए बच्चा कभी कभी नाटक करता है, कभी कभी कुछ कुछ बातें बना के कि देखो कीड़ा लग गया है एंड ऑल, एंड अच्छे से कर लेता है। तो आज मतलब उसने देख लिया कि वीडियो बन रही है तो और उस मोड में है कि नहीं करना है, तो अच्छे से ब्रश करके मैं उसके लिए चीकू का ये ब्रश यूज़ करती हूँ विच इज़ वेरी गुड। एंड उसके बाद हम उसको नहलाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी नहलाती हूँ, बट इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सैटरडे संडे वाला वीडियो, जो जनरली गर्मियों के टाइम सैटरडे संडे में हम उसका ये टब फिल करते हैं जिसमें वो थोड़ी देर इन्जॉय करता है, क्योंकि समर टाइम ही होता है जिसमें बच्चे आराम से वाटर में इन्जॉय कर सकते हैं। बाकी वीक डेज पर तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी उसको नहलाते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड उसको ड्रॉप करने जाते हैं स्कूल। तो स्कूल हमारे घर से बहुत ही पास है, अराउंड 700 मीटर, तो आराम से 5 मिनट में उसको ड्रॉप कराते हैं। उसका टाइम है 9:00 का सुबह स्कूल का, एंड मैं उसको शाम को 5 बजे डे केयर से पिक करती हूँ। मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, या फिर अगर मैं ऑफिस भी जा रही होती हूँ तो जल्दी आ जाती हूँ। मैंने 5:00 तक का उसका डे केयर लिया हुआ है। वैसे डे केयर 6:30 तक ओपन रहता है। डे केयर से आके मैं उसको कोई भी फ्रूट देती हूँ, उसको फ्रूट बहुत पसंद है, तो कभी एप्पल, कभी पपाया, बनाना या कभी मिक्स ऑफ फ्रूट्स दे दिए, ये उसका रूटीन रहता है। उसके बाद मैं उसको उसका होमवर्क कराती हूँ, जो भी उसको होमवर्क मिलता है। एंड राइट नाउ प्ले ग्रुप में ही है, बट होमवर्क डेली मिलता है, कुछ ना कुछ रिटर्न करने को या फिर कुछ यू नो मिक्स एंड मैच वाला होमवर्क उसको मिलता है। एंड उसके बाद वो थोड़ी देर खेलता रहता है या फिर थोड़ी देर टीवी भी देखता है, तो ये उसका एक रूटीन रहता है। उसके बाद मैं उसको डिनर कराती हूँ। तो डिनर में जनरली कभी पराठा, कभी दाल चावल, या फिर दाल के साथ रोटी, या फिर कभी मिक्स वेज बना दिया, या फिर कभी मिक्स दलिया बना दिया, तो इस तरह का उसका जो है डिनर रूटीन रहता है। उसके बाद 10 से 11 बजे मैं उसको सुलाती हूँ, ऑल्दो वो थोड़ा लेट ही सोता है, 11, 11:30, 12 बजे सोता है, बट मैं 10 से 10:30 बजे कोशिश करने लग जाती हूँ उसे सुलाने की। साथ ही मैं एक छोटा सा वीडियो और शेयर कर रही हूँ उसके डे केयर का, कि डे केयर में बच्चे क्या करते हैं, कैसे इन्जॉय करते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस मुझे एक अच्छा डे केयर घर के पास ही मिल गया है, जिस स्कूल में वो अभी प्ले ग्रुप में है वही उसका डे केयर है। एंड वो अच्छे से बच्चों को रखते हैं, अच्छे से खाना खिलाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बच्चे सो जाते हैं, एंड उसके बाद शाम को 4 बजे बच्चे उठते हैं, 4:15 बजे वो फिर शाम का ब्रंच बच्चे को देते हैं। तो एक टाइम का मील स्कूल ही देता है, एंड एक सुबह का लंच मैं उसको रखती हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।